अरे यार क्या कर रहे हैं तुम? Yeah, Jai Hind. Yeah, that's what we wanted. Thank you so much for that. And sir, कहाँ गए? हाँ, sir, वो एक dialogue मेरे को भी आया अभी देखने के बाद. अच्छा हुआ, गाड़ी उड़ गई, लेकिन दरवाजा बच गया. बहुत मतलब बचाया उन्होंने. He saved the दरवाजा. जोरदार तालियां for this entire team, ladies and gentlemen. That was something, and I would like to congratulate you, because जब-जब हम patriotism की बात करते हैं और corruption की बात करते हैं, you know, ऐसे ही हम सब बैठे होते हैं सिनेमा घरों में और हम लोग कहते हैं यार ये हीरो अब कुछ करेगा करेगा करेगा, बोल बच्चन करके निकल जाता है, कुछ करता नहीं. लेकिन यहाँ पे बेईमान पिटेगा, करप्शन मिटेगा, एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस मूवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको हम देखेंगे. फुल ऑन सिटी मार डायलॉग्स, फुल ऑन सिटी मार डायरेक्शन. तो जोरदार तालियां, कम ऑन, लेट्स इनवाइट ऑन स्टेज द डायरेक्टर मिलाप मिलन जवेरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. कम ऑन यार, बनता है. मतलब इतनी सीटियां अभी बजाई हमने, सो द क्रेडिट गोज टू दिस जेंटलमैन ओवर हियर. और उनके साथ टू जेंटलमैन एंड ऑफ कोर्स देयर टीम्स, They believed in this. और उस belief के लिए जोरदार तालियां for Mr. Bhushan Kumar and Mr. Nikhil Advani, ladies and gentlemen. And now introducing this gorgeous light. बढ़ाऊं? Light बढ़ा दो भाई. Thank you so much. We good? Yeah. आई हाय क्या बात. And now introducing this gorgeous lady, ladies and gentlemen, जिनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. And she's like एक और डायलॉग में चिपका सकती हूं यहां पे. गिव इट अप फॉर आयशा शर्मा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस इन मराठी सिनेमा. अभी राजी में भी उनके जलवे हमने देखे हैं. एंड मैं कह रहा था ये यहां पे आई हैं, वो होस्ट भी बड़ा अच्छा कर लेती हैं, बहुत कमाल की हैं. गिव इट अप फॉर अमृता खान, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. एक्टिंग की बात करें तो आई थिंक ए टू जी इनके अंदर बसा हुआ है. ही इज one of the bestest actors Woo! of the industry. Give it up for Mr. Manoj Bajpai. Come on, yaar, taaliyan bajti hai yaar. And now, you know, riding high on the success of his last release, jiska humne yahan pe launch kiya tha, and बहुत ही कम समय पे लोगों के दिलों पे इतनी बड़ी छाप छोड़ गया. वर्ड ऑफ माउथ इज द वर्ड जब ऐसे एक्टर्स काम करते हैं और दिल से काम करते हैं. गिव इट अप फॉर हमारे अपने जॉन अब्राहम, वन ऑफ द मोस्ट चिल्ड आउट एक्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द इंडस्ट्री. All the jappies and puppies. So yeah, we'll start with the producers. Bhushan sir, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सत्यमेव जयते, you know, ऐसा अपनी लाइफ में ये फिलॉसफी कितना अपनाते हैं, बिकॉज सच्चे मन से काम करते हैं और रिजल्ट की परवाह नहीं करते कुछ ऐसा? See, actually, whenever you are working, आपको सच्चे मन से ही काम करना चाहिए, तभी you will get the achievement which you are looking for. तो और ये टाइटल भी उसी चीज को मतलब बयान करता है कि It's a very true film. मतलब सत्यमेव जयते जिस तरीके से इसमें टाइटल, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो दे हैड टाइटल इन माइंड, कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन ये टाइटल वॉज वेन दे टोल्ड मी, तो मैंने कहा ये टाइटल इज एप्ट फॉर दिस फिल्म, एंड देन वी गॉट दिस टाइटल. थैंक्स टू मिस्टर आमिर खान प्रोडक्शन फॉर गिविंग अस दिस टाइटल. सो इट्स बहुत मायने रखता है एक्चुअली ये टाइटल. Nikhil sir, this one's for you. You know, collaborating, partnering with T-Series one more time. और इतनी सारी speculation पहले से है, curiosity है कि ये एक बार वापस से धमाका करेगी. What do you have to say on this partnership? Hello, yeah. No, I just want to say that, I mean, I'm very fortunate. I have known Bhushan ji and his family for the last, I mean, 2005, 2006 when we started working on Salamesh together. And this is a tough film to make. I mean, primarily because it's Milap is there, I am there, and for us to get the film going was a little difficult. But I made one phone call to Mr. Bhushan Kumar, and I told him, sir, ye picture banani hai, and he said, okay, let's start. You know, so I owe Bhushan ji a lot. I owe Bhushan ji a lot for supporting ME Entertainment, for being the kind of person that he is. Everything. I mean, the way when he decided that the music of this film needs to be this, the kind of music that you're seeing in the film, Dilbar. Yeah. There we have a great song by Rochak called Paniosa. We have another superb song by called Tajdar Haram. Mm-hmm. I mean, he's done things which I didn't even know. Atif Asanga song. I didn't know Atif Asanga song till Bhushan ji sent me the track, and he said Atif ne gana gaya. I said, when did he say? He said, maine karwa liya. You know, so.
even when Milab made us hear the script, John, myself, Manoj, all of us, it was out and out drama, right? It was an out and out drama. And Bhushan ji called me and said, "Yaar, isme action dalna hi chahiye." And he just, I'm not going to tell everybody, but increase the budget and said, "Action dalo, isme action dal do." You know, so I'm very very glad that he's. And the result is for us to see, and humne bahut pasand kiya. Taliya ho jaye, yaar, come on, one more time, ladies and gentlemen, for Satyamev Jayate. Coming to the director, the captain of the ship, sir, writing ki agar baat karein, jo dialogues aise dhansu wale lik dete ho. मैंने यही बात करी है लोगों से, कह रहे यार इसकी पर्सनालिटी से बड़े हट के होते हैं कई बार, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट यार, ऑल दैट ऐसा ये पंचेस आ रहे हैं और असली लिटरल पंचेस आ रहे हैं. वी आस्क हिम दिस क्वेश्चन एवरी डे वी आस्क हिम, यार यार ज्यादा हो गया यार, कम द 56 इंच का जिगरा, यू नो उतनी सी गोली. एंड प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द डायलॉग्स एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्शन. वेल टिल टुडे आज तक मेरे पास बाजी जीतने सिर्फ डायलॉग बाजी थी. ये इस बार निखिल भूषण सर, जॉन, मनोज सर, आयशा, मोनिशा मैम, मधु मैम, एमए ने मुझे मौका दिया कि डायलॉग बाजी के साथ थोड़ी एक्शन बाजी भी कर लूँ इस फिल्म में. और आई एम वॉन्ट टू थैंक फ्यू पीपल. मैं हमेशा कहता हूँ जॉन और मनोज सर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चैरिटी फिलैंथ्रोफी कर ली है ये पिक्चर के लिए. आप बोल के उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी स्क्रिप्ट को मौका दिया और मेरी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए राजी हुए. राजी से थैंक यू अमृता ऑल्सो एंड आयशा एंड भूषण सर एंड एंटायर टी सीरीज फॉर सपोर्टिंग. बट निखिल अडवाणी, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी एंड द टीम ऑफ एम ए, दे आर माई फैमिली. इन द फर्स्ट पर्सन हु हर्ड दिस स्क्रिप्ट एवर वॉज मोनिशा अडवाणी. एंड मोनिशा अडवाणी विदाउट इवन आस्किंग हर ब्रदर सेड, मैं ये पिक्चर प्रोड्यूस कर रही हूँ. निखिल अभी तक ऐसे खड़ा है कि बहन का प्यार मतलब महंगा ना पड़ जाए. लेकिन सत्यमेव जयते इज बिकॉज एंड ऑल्सो फ्यू पीपल लाइक मीनाक्षी हु इज जॉन्स मैनेजर, संयुक्ता चावला जो नीरजा और परमानु की सुपर हिट राइटर है, उन्होंने बहुत साथ दिया. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. ही शेयरिंग द ब्लेम विद यू, संयुक्ता बाय द वे. संयुक्ता आफ्टर इज्जत की रोटी, दिस इज ईमानदारी का पराठा. ऑलराइट, दिस वन्स फॉर द एक्ट्रेसेस ओवर हियर, द गॉर्जियस लेडीज. यू नो ऐसे स्टॉलवर्ट्स के साथ और ऐसे सुपर डुपर हिट स्टार्स के साथ जब अपनी जगह बनाना होता है, सो हाउ डिफिकल्ट इज दैट? अमृता एंड आयशा, ये साल मेरे लिए काफ़ी पेट्रियोटिक रहा है. राजी, उसके बाद सत्यमेव जयते. और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन सभी लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा तो आया, लेकिन इट बिकम्स अ लाइफ एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड अनलर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर मी इट वॉज अ जॉय राइड. और जैसे कि मिलाप के बारे में मैं कहूँगी, वैसे आपको काफ़ी सारे पंचेस दिख रहे हैं, लेकिन ही इज़ द मोस्ट स्वीटेस्ट हगेबल गाय दैट यू कैन एवर मीट, आई थिंक. ऐसा नहीं कि कहीं अचानक से उठे और दुजुम. Never, never. नहीं होता. आयशा, your views on the same? I would like to say that if when you have actors like Manoj sir and John, they make your job so easy. Like not for one day did I feel John is probably the easiest actor you can work with. Right. Same with Manoj sir. Not for one day, I didn't have that many scenes with Manoj sir. Not for one day was I made to feel that it's my first film. Or you're a newcomer, what are you doing here? And same with Milab. I think all three of them. Yeah. And like I said, I think the right team finds you. You can't plan it and do all of that. So I think I was really lucky to have the best team. Wow. My actors were the nicest that they can be to someone who was like, with John, I would always be like, John, where am I supposed to look? Aisha, there. Okay, great. Done, sorted. It was just a breeze. So I had a great time making the film. And so I think then it becomes easy. You're not worried about whether you're going to leave a mark or not. And congratulations on this great debut. Yeah, we just saw you on the big screen. All right, Manoj sir and John, aap dono ke liye ek hi sawal hai. You guys go a long way. Aisa saath mein badi sari filmein kari hain. So what do you have to say? Ye chemistry tab se leke ab tak kitna change hui ya kitna kya? Thoda sa controversial sa kuch do. I'll just say one thing. That, you know, when you're sharing the screen with Manoj Bajpai, he's an institution. In acting, he's really... And his niceness is his humility. He's very easy, but I think he's, if not, then one of the greatest actors we have in Hindi cinema. Indeed. And I think he's absolutely fantastic. And just sharing screen time with him is very, very special. So for people like me, it's like watching a film when you're watching Manoj Bajpai. That's a huge compliment, I would say. But you deserve every bit of it, Manoj sir. What do you have to say on your experience on this movie? अच्छा, मैं हिंदी में बोलूँगा नहीं तो काफ़ी लोग ट्रोल करेंगे कि बिहार का हो के हिंदी में बात नहीं करता है. बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ में ये. नहीं साहब,
पहली बात तो ये कि जॉन से शुरुआत करें, तो जॉन के साथ आपने जाहिर सी बात है बड़ी सही बात की कि इसके पहले भी हम काम कर चुके हैं और वो अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा था। जॉन अब्राहम के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि एक लाइन है, सफलता अंत नहीं होता है और असफलता अंत नहीं होता है। तो ये मान करके, ये विचार रख के चलने वाले आदमी हैं, जो कि बड़े कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे लोगों के विचार बदलते रहते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे एटीट्यूड चेंज होते रहते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम वही रहता है। ये एक कमाल की बात है जॉन अब्राहम की, एंड दैट इज़ वाई हीज कम सो फार, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अचीव्ड वट एवर ही इज़ अचीव्ड टिल नाउ। सो आई ऑल्सो, जब इस पूरी दुनिया में जहाँ पर नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं, वहाँ एक आदमी है जो बाहर से बाहर बैठ करके पूरे अपना काम करता जा रहा है और लगातार सफल फिल्मों का हिस्सा होता जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच जॉन। मुझे हमेशा लगता है कि नाइसिटी और हार्डवर्क जो है कभी भी खाली नहीं जाती, इसका जीता जागता उदाहरण जॉन अब्राहम है। क्या बात है। और आयशा, वेलकम टू द वुड्स, ये डेब्यू कर रही हैं, इनकी शुरुआत है, तो आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अगर आपकी तरफ से ताली होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी डिफिकल्ट दुनिया है, आपको भी पता है। भूषण जी, आपको मैं बहुत बाद में जाना, लेकिन आपके पिताजी से आशीर्वाद हमें मिला है और मिलता रहा है पहले जब थे वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और तब से जो है आप लोगों के साथ में संबंध रहा, आपके साथ में उतना नहीं रहा जितना कि किशन जी के साथ रहा आपके पिताजी के जाने के बाद, और इसके आप इस फिल्म में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विश्वास, आपका सहयोग हमें मिला। निखिल को मैं 23 साल से जानता हूँ, 23 साल पहले ये सुधीर मिश्रा जी का असिस्टेंट हुआ करता था, तब से मैं काम मांग रहा था और अब 23 साल के बाद जाके काम दिया इसने मुझे। सो थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट ओनली अ ग्रेट प्रोफेशनल बट ऑल्सो अ ग्रेट फ्रेंड, एंड आई ऑलवेज चेरिश द मेमरीज ऑफ दोज स्ट्रगलिंग डेज। अमृता खान मिलकर अभी ये इनसे मेरा अभी एसोसिएशन हुआ, इनके हस्बैंड जो हैं हमारे को प्रोड्यूसर हैं, मेरी अगली जो फिल्म आ रही है गली गुलियां, तो उस उनके द्वारा उनके जरिए जो है इनसे जान पहचान हुई। आई जस्ट सो हैपन दैट यू नो शी इज़ प्लेइंग माई वाइफ इन दिस फिल्म। जाहिर सी बात है कि इनके हस्बैंड बहुत खुश नहीं हैं इस बात को लेकर, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जानी मानी अदाकारा हैं मराठी फिल्मों की। अब मिलाप जवेरी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, शूट आउट वलाला में इन्होंने मेरे लिए डायलॉग्स लिखे थे बड़े अच्छे अच्छे, और जब भी मैं जाता हूँ बाहर में तो कुछ एक डायलॉग्स मुझे जो है कॉलेजेस वगैरह जाता हूँ तो मैं अपने पर्ची रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं, तो राजनीति का डायलॉग्स रखता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग रखता हूँ, सत्या के रखता हूँ, उसमें शूट आउट वलाला का डायलॉग तो ज़रूरी रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इनके डायलॉग की वजह से जो है मुझे कितनी बार जो है मेरी मतलब बदनामी हुई है कि मुझे डायलॉग याद नहीं है। वो डायलॉग था क्या डायलॉग था, मैं जॉन को ही बोलता हूँ, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। टोटल सिटी मार। मैंने इनको कहा था कि यार भैया तुम क्या मतलब श्योर हो कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि यार मैं इस तरह की फिल्मों के लिए जाना नहीं चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे आप ही चाहिए, आपने शूट आउट डाला में जिस तरह से बोला था मुझे आप ही चाहिए, बट थैंक यू मिलाप, थैंक यू वेरी मच। यू नो इन द स्पेस ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा व्हेन आई गेट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स फ्रॉम मिलाप एंड निखिल, आई फील दैट आई नो आई एम नीडेड इन दिस इंडस्ट्री, नहीं तो आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन द फ्रिंज, यू नो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सिनेमा, बट वेन एवर दीज काइंड ऑफ ऑफर कम I always feel welcomed. I feel that, you know, somewhere they are trying to make me part of it. So thank you very much, both of you. And John Abraham, it was again great working with you. Lots of laughter, lots of love. And thank you all, jo aap sab log yahan pe aaye hain. Bahut bahut dhanyawad aapka. Is tarah ke event hamesha hote rehte hain, har din hote rehte hain. Lekin uske bawajood, jab itni badi gathering aap samne dekhte ho, तो सर आपके सामने हमेशा झुक जाता है। थैंक यू। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड यस वील टेक योर क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट एक क्विक फोटो अप हो जाए, और उसके लिए आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट मार्केटिंग मीडिया एंड पब्लिशिंग मिस्टर विनोद भानुशाली फ्रॉम टी सीरीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड सीनियर वीपी फिल्म्स मिस्टर शिव चनाना, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन मेक सम नॉइस फॉर देम, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
And now, yeah, we'll have a quick photo op, or uske baad we'll go on. Monisha and Madhu, we'll like to call upon. Yes, of course. Madhu, Monisha. Monisha and Madhu. Come on, yeah, puri team yahan pe ek baar zordar taaliyan ho jaye, yeah? Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. We'll do the questions first, yeah? We'll take the questions. फिर सोलो भी करेंगे हम लोग बाद में. अच्छा जॉन सर. या कम सर. जॉन सर ऑन द लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट हियर. लेट देम टेक द क्वेश्चन. सो दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माय शो. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द. जस्ट अ सेक सिमरन, आई एम सो सॉरी. या वी गुड जी. चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम. इट्स अ एक्शन पैक्ड ट्रेलर. तो लुकिंग आफ्टर द एक्शन, कैन वी से दैट यू आर इंडियाज ऑफिशियल आंसर टू कैप्टन अमेरिका, स्पेशली विद दैट सीन व्हेन यू आर द having that shield, the like door. Yeah, door. No, I think first of all, just taking you back a bit on the film, I think we've spoken enough about patriotism and corruption and everything. I think this is a unfiltered hardcore commercial film. We're very clear, we've gone out to make a commercial film. We spoke about it, and we, this film has everything in it. It's a full plate. You can enjoy everything. And speaking about the Captain America part, that door was very heavy. Okay, Bhushan sir, aapse sawal hai. So T-Series have ventured into many content driven films and many awards. You have won many awards including IFA. So as a producer, do you feel more responsible? What's your take on that? See, obviously you have to be responsible to your audience, and you have to give them good cinema which they can enjoy because they spend so much money on it. So we always try to, you know, get the content right and mix it with great music to entertain the audience. And in this film also, we are doing the same. It's a good content, great content with action. Like John just said, it's a full plate, which has music, which has action, which has drama. So we are very, very excited and positive about this film. John, here, this side only. How are you? How are you? Meri chhati phool gayi thi jab aapne bola ki mar, mar. Tell me something about that dialogue. And really, it is very good for women, you know. Yeah, I think, see, when you're making a film, at the end of the day, your character has to be काफी relatable होना चाहिए, even with women. और ये, I think, मिलाप का on the spot dialogue था. वहीं पे उसने वो, you want to just tell them? John, actually, उस action scene, उस scene में John ने मुझे कहा कि scene बहुत अच्छा है, लेकिन एक where he's, you know, saving this औरत की रक्षा कर रहे. कि मुझे कुछ एक्शन के अलावा एक इमोशन चाहिए या एक अच्छी बात चाहिए. तो ऑन द स्पॉट अगर जॉन ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं कभी ये डायलॉग जो है कि आज के बाद दुनिया का कोई भी मर्द ये ताना नहीं मारेगा कि तूने चूड़ियाँ पहनी है क्या, ये कभी नहीं आता अगर जॉन ने मुझे यू नो इंस्पायर नहीं किया होता. तो इट्स एक्चुअली हिज इमोशन विच जिस आई जस्ट मैनेज टू पुट इट इन डायलॉग एंड पुट इट इन द फिल्म. इशिता, योर एक्सपीरियंस ऑन दिस सीन. इशिता ना, Aisha, sorry. Yeah, it's fantastic. I think whenever you see someone standing up for women, whether it's a woman on her own or a man for her, I think it always feels great. So I love that scene. It's one of my favorite scenes in the trailer, and that's what I told Milap. It's like, yeah, go for it. I liked it a lot. Hi, Manoj sir, आपके right में आलोक है. Sir, जब आप वर्दी पहनते हैं तो उस समय क्या महसूस करते हैं और क्या feeling आती है जब वर्दी धारण कर लेते हैं? यार क्या है कि गलत समय में यह सवाल पूछा है आपने, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि जो लोग हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को 24 घंटे देख रहे हैं और उनकी वर्दी को पहनना जो है अपने आप में सौभाग्य की और गर्व की बात होती है. लेकिन मेरे लिए ये हिंदुस्तान में बड़ी बात होती है कि आपने उसमें भी पुलिस वाला किया था और इसमें भी पुलिस वाला किया था. वर्दी पहनने वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ से आता है, उसका वो किस फैमिली से है, उसका संस्कार क्या है, उसकी परवरिश क्या है, उसके वर्दी पहनने के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे की जर्नी क्या है, ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है. उसके बाद फिर वर्दी और उसके उसकी ड्यूटी और उसके एटमोसफेयर, उस पर काम आदमी करता है. लेकिन जब कैरेक्टर आदमी बनाता है तो इन सब पहले व्यक्ति पर ज़्यादा फोकस करता है, वर्दी पर बाद में. जॉन सर, सच बोलना कितना आसान या मुश्किल होता है, और कोई वाकया अगर आप शेयर करना चाहें? सच बोलना बहुत मुश्किल होता है. या इट्स द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और जितना भी हम कोशिश करें, यू नो, वी ऑलवेज फेल एट सम पॉइंट ऑफ द अदर. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी आप सच बोलते हो देन आई थिंक लॉट ऑफ लोड इज
taken off your chest. Nikhil sir, 15th August ko teen filmen aa rahi hain. To hum 15 August ko hi aane wale hain ya teeno producers aapas mein baat cheet karke kuch ek nishkarsh nikalna chahenge? We are coming on 15th August. Baki mujhe pata nahi. Date announce ki to hai, I think. Right, so there. Hi, Milap. Milap, hi. Here, here, on your left. Hi. Like the other day, we had this chat on, like, Gold is also coming on the same day. And you told me that this is not exactly a patriotic film. So can you throw some light on this subject? No, this is a film that is, as John said, a commercial film. There is patriotism, there is action, there is drama, there is music, there is dialogue bazi. I wish Gold the best also, and touch wood, may all, how many of our films come on that day, may all the films do well, may all the films do great business and be appreciated by people. John, on your right. Yeah, hi. John, sabse pehle to aap se janna chahunga ki sabse different look mein hai aap, to ye aapka kisi filmon ka look hai ya? Ye Raw ke liye, Romeo Akbar Walter ke liye. To. And दूसरा सवाल ये जॉन कि जिस तरह की आप फिल्में कर रहे हैं बैक टू बैक नो डाउट कि बहुत ही हिट हो रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही है आपने परमाणु की एंड देन उसके बाद अब आप सत्यमेव जयते कर रहे हैं करप्शन मिटेगा इस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं लेकिन जो आपके दोस्त हैं अक्षय कुमार जी वो भी इस तरह की फिल्में करते हैं तो आपको लगता नहीं कि वो कुछ नाराज़ हो जाएंगे आपसे इस तरह की फिल्में सेम सेम साहब आप जो है सच में आप ऐसे ही खड़े रहिएगा और जो 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 कहीं नहीं हो रहा है ना वो यहीं पे घटना घटित करके ही जाइएगा जो भी किसी के दिमाग में नहीं हो रहा होगा ना वो सब कुछ मतलब बेचारे वो क्यों फंसा रहे हो अच्छा खासा मौसम है अच्छा अवसर है आई थिंक सी अक्षय इज अ फ्रेंड और आई विश हिम द बेस्ट और आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर भूषण करेक्ट मी निखिल करेक्ट मी आई थिंक टू फिल्म्स कैन रिलीज ऑन द सेम डे There are enough screens for two films to release. Dono bahut hi alag film hai. Different genres. They can release on the same day. Bhushan ji, aapse janna chahunga, jaisa ki abhi baat bhi hui ki 50 million subscriber, jaisa ki hamare dost ne bataya ki 500 subscriber ke liye log taras jate hain. Aur aapne apne daddy ke baad jis tarah se ise continue rakha, balki India mein number one par rakha. To worldwide jahan tak mera knowledge hai, dusre number pe aapki aisi company hai jo ki 50 million subscriber hai. To kya take hota hai aapka is tarah ke? ये एक अच्छा कंटेंट जो हमारी टीम पूरी लगी रहती है अच्छा कंटेंट बनाने में इट डिपेंड्स ऑन दैट और जिस तरीके से हमारा चैनल मैनेज होता है और उसमें हम हर रोज़ इतना कंटेंट डालते हैं इट्स हार्ड वर्क ऑफ द टीम अलोंग विद मी जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने हम गाने खुद के भी बनाते हैं अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस इट्स नॉट ओनली हिंदी और बॉलीवुड इट्स नॉन फिल्म पंजाबी एंड तमिल तेलुगु एवरीथिंग वी गो ऑल अक्रॉस And it's and the credit goes to my father who has given me such a great, great catalog, which plays the 60% of the part. Hi, John. Abhishek here from In.com. Towards your left. Hi. The trailer looks amazing. Continuing to the previous question, जैसे आप एक particular genre की film कर रहे हैं उसी तरह अक्षय भी करते जा रहे हैं. So can we say there's an internal, in a healthy competition between you and Akshay, being the the sons of India, जिस तरह की आप films कर रहे हैं, अक्षय कर रहे हैं, internal healthy competition है दोनों के बीच में। I think I can speak for myself. I think I choose films depending on what I like in terms of scripts. So I enjoyed making Parmanu because I enjoyed that space a lot. I enjoy watching you know commercial films, which is why I am doing this film with Bhushan, Milap, Nikhil, everybody. उसके बाद I'm doing Raw, then I'm doing Batla House with Nikhil again, which is again a different space. So it depends on what you really enjoy doing at that point of time. So I think each actor is entitled to choose a certain script at a certain point of time. I think Akshay is doing a comedy after this, so it depends on what you want to choose at that point of time. Hi, so, Shivangi. We'll just take two last questions. Sorry. Yeah. Hello. Hi. On your left, Shivangi Desai from Aaj Tak. मेरा सवाल जॉन और मनोज जी से है. वीडियो हमने देखा ट्रेलर देखा देश प्रेम के बारे में है देशभक्ति के बारे में है हाल ही में एक और वीडियो रिलीज किया गया है सर्जिकल स्ट्राइक का अगर आप लोगों ने देखा हो आप लोग उस पर क्या कहना चाहते हैं या वो वीडियो देख जिस तरह इस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ वो वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं मैं टीवी नहीं देखता तो इसलिए मुझे हटा दीजिए तो हम ये मानकर चले आपने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो नहीं देखा व्हेन वाज इट जस्ट पुट ऑन राइट सो वी प्रोबब्ली विल सी इट आफ्टर दिस
Okay, I'm sorry. Then I've not seen it yet. I'll see it. एक और सवाल. Hi, Sandeep. One last question. Yeah, thank you. Corruption की बात फिल्म में दिखाई जा रही है. आप दोनों से एक सवाल. क्या जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया है कि कहीं रिश्वत देनी पड़ी हो या फिर कभी कोई ऐसी घटना घटी हो? So I think I come from, I mean, जिस तरीके से my father's brought me up, it's very difficult for me, and I'm saying this on record, it's very difficult for me to get into any kind of bribery or any kind of this. और काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए क्योंकि पिताजी आर्किटेक्ट है और वहाँ पे यू नो जस्ट जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ कहा, बिकॉज व्हेन आई वाज इन द 8th स्टैंडर्ड ही वेंट कम्प्लीटली ब्रोक, वी हैड नो मनी, एंड ही सेड बेटा जो भी हो लाइफ में ना, डोंट चीट एनीबडी एंड डोंट हर्ट एनीबडी. सो आई थिंक वी फॉलो दैट वेरी सिंसियरली, एंड आई एक्सपेक्ट दैट एज रोल मॉडल्स यू नो एवरीबडी शुड फॉलो दैट एंड नॉट गेट इन टू आई मीन रिस्पेक्ट योर कंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Hi, thank you so much. Sandeep here from ANI. One last question. Hi John, भैया नमस्कार. संदीप बात कर रहा हूँ, on your right. Yeah. John, मेरा सवाल ये है, जैसे शिवांगी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आया हुआ है. पिछली आपकी जो फिल्में हैं वो परमाणु थी, वो एक सच्ची घटना से प्रेरित थी. साथ ही मनोज सर, आपकी जो फिल्म थी अय्यारी, उसमें आपने फौजी का किरदार किया हुआ है. सवाल ये मन में आता है कि जो पेट्रियोटिज्म वाला फ्लेवर है वो बॉलीवुड में काफ़ी कुछ दिनों से छाया हुआ है. सर्जिकल स्ट्राइक का कल वीडियो रिलीज़ हो चुका है, तो क्या हम जॉन अब्राहम प्रोडक्शन से या क्या हम मनोज सर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी फिल्में बनी तो जॉन अब्राहम उसमें काम करना चाहेंगे या उसमें एक्ट करना चाहेंगे, मनोज जी भी एक्ट करना चाहेंगे या नहीं? देखिए, कोई घटना जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन जब फिल्म करने की बारी आती है तो स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. क्योंकि वैसे तो किसी भी घटना पे लोग कई तरीके की स्क्रिप्टें लिखी जाती हैं, लेकिन बहुत ही कम स्क्रिप्ट होती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं या आप वो इतनी ज़्यादा दमदार होती हैं कि आदमी उसको करने पर मजबूर हो जाए. तो कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर वो बहुत ज़्यादा दमदार है और घटना को और भी एनहांस कर रही है तो ज़रूर आदमी करना चाहेगा. हम तो एक्टिंग करने के लिए यहीं पे आए हैं. अच्छी कहानी हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, ज़रूर करेंगे. कूल है. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. वी गॉट टू रैप अप एंड इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप वन मोर टाइम विद द कास्ट.